साथियों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर है। हरियाणा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने, निर्दलियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि अब इलेक्शन में 12 से 13 दिन का समय ही शेष बचा है। तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, साथ में आरोप प्रत्यारोप साजिशों का दौर भी चल रहा है। दोनों ही पार्टियों से बागियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से तमाम सीटें ऐसी हैं जिनमें जो भारी कद के, बड़े कद के प्रत्याशी हैं, जिनका नाम बड़ा है, उनकी सीट भी फंसी हुई है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त हरियाणा में मौजूद हूं और रोज दौरे कर रहा हूं। आपको आज के कार्यक्रम में हम बताएंगे कि किन किन सीटों पर जो उम्मीदवार है, जो बड़े नाम वाले उम्मीदवार हैं, जिनको आप भी जानते हैं, जिनको देश जानता है, उनकी उम्मीदवारी कैसे और कहां कहां फंसी हुई है। सबसे पहला नाम आता है लाडवा सीट का, जहां से हरियाणा के थोड़े छोटे से समय के मुख्यमंत्री, जो खट्टर को हटाने के बाद जिनको लाया गया था, नायब सिंह सैनी, जो पहले सांसद भी रहे कुरुक्षेत्र के, जहां से उनकी उम्मीदवारी है भारतीय जनता पार्टी से। वो लड़ना चाहते थे करनाल से, लेकिन उनको लाडवा ले आया गया। सैनी वोटरों की संख्या ज्यादा है, संभवतः इसलिए लाया गया। लेकिन अब लाडवा सीट पर हो गया है खेल। आपको बताऊं कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई है कि वहां पे कांग्रेस ने तो पहले मेवा सिंह जी को टिकट दे दिया। मेवा सिंह पिछली बार के विधायक हैं और बड़े लंबे समय से सक्रिय रहे, जनता बहुत पसंद करती है उनको। दूसरी तरफ जो सपना षडगामी है, जो पूर्व विधायक शेर सिंह षडगामी की बहू है, वो भी उम्मीदवार है इनेलो से। तो अब नायब सिंह सैनी जी की उम्मीदवारी गई है फंस, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। आपको बताएं, लाडवा सीट की स्थिति यह है कि तकरीबन 1.25 लाख के आसपास वोटर्स हैं यहाँ पे, और इस सीट पर कब किस करवट ऊट बैठ जाए कोई नहीं जानता। मतलब 2014 के चुनाव में जब पवन सैनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, केवल 2200 वोटों से जीते थे, लेकिन अगले चुनाव में जब 2019 का हुआ तो मेवा सिंह 11-12 हजार वोटों से जीत गए। तो आप मेवा सिंह की जो पिछले चुनावों की मार्जिन थी, क्योंकि 1.25 लाख वोट तो बहुत ज्यादा होते नहीं है, 2 लाख मान लीजिए उसको आप, तो उसमें 12 हजार की मार्जिन बहुत ज्यादा है। और वैसे में नायब सिंह सैनी जो कि बेहद एंटी इनकन्वेंसी झेल रहे हैं, वो कैसे जीतेंगे ये बड़ा मुश्किल है। और सपना जीते ना जीते, वो वोट नायब सिंह सैनी का काट रही है, ये बात सच्चाई है। क्योंकि नायब सिंह सैनी के खिलाफ जो है एंटी कन्वेंसी वोट जो है वो तेजी से कंसोलिडेट हो रहे हैं। आपको बताएं कि ये लाडवा विधानसभा सीट मूलतः किसानों की सीट है, छोटी जोत के भी किसान है, बड़ी जोत के भी किसान है, और किसानों की समस्याओं को लेकर के लोग बहुत गंभीर हैं, और खास तौर से किसान आंदोलन के वक्त से ही यहाँ के किसान भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज चल रहे हैं। तो एक तरफ जहां बहुत बड़ी तादाद किसानों की हो और नाराजगी हो, तो आप सोच सकते हैं कि वोटिंग का पैटर्न कैसा होगा। अगर मान लेते हैं कि एक जाति का वोट भी पड़ गया एक तरफ, लेकिन अन्य जातियां किधर जाएंगी। और एक बात आपको मैं बार बार अपने कार्यक्रम में बता रहा हूं कि इस बार इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हरियाणा में मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। दरअसल इस वक्त जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है इस चुनाव में। तो जब जनता लड़ती है, जैसे कि 2014 के इलेक्शन में लोकसभा के जनता लड़ी थी कांग्रेस के खिलाफ, तब इस तरह का मैंडेट आया था कि नरेंद्र मोदी जीत गए, मोदी मोदी का नारा लगने लगा। इस बार हरियाणा में यही हो रहा है कि जो पब्लिक है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। तो वैसे में लाडवा सीट अगर फंस जाए, नायब सिंह सैनी की सीट फंस जाए, तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। एक दूसरी सीट है आपकी एलानाबाद की, जहां पे से इनेलो के जो प्रधान महासचिव हैं अभय चौटाला उम्मीदवार हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं वहां से उनके मुकाबले में भारत सिंह बेनीवाल है।
और जो भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार हैं अमीर चंद जी, इनका पूरा नाम अमीर चंद मेहता जो है, तो फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो कोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है कि चौटाला जी का मुकाबला जो है वो सीधे के सीधे भारत सिंह बेनीवाल से हो रहा है। जब चुनाव के में नाम की घोषणा की थी कांग्रेस ने, तो एक बार लग रहा था कि भारत सिंह बेनीवाल के खिलाफ अगर संतोष बेनीवाल, जो कि रिश्तेदार तो लगती है मैं भारत सिंह जी की, लेकिन शैजा गुट की मानी जाती है, कि संतोष खड़ी हो जाएंगी, संतोष नाराज थे, नाराज थी संतोष बेनीवाल, लेकिन बाद में संतोष बेनीवाल ने भारत सिंह बेनीवाल को समर्थन दे दिया, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो गई है और भयंकर जबरदस्त चुनौती मिल रही है चौटाला जी को। तो अगर अभय चौटाला की यह सीट फंस जाती है तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि है क्या कि अमीर चंद मेहता को निश्चित तौर पे वो अभी तीसरे नंबर पे है, एंटी इनकंडेंसी भी है, पवन से वहां पे जो पवन बेनीवाल थे वो चले गए रेलो में, जो कि उपचुनाव में जीते थे। अब है क्या कि जो बीजेपी का वोटर बीजेपी से नाराज है वो कहां जाए, तो उसके लिए कांग्रेस बेहतर विकल्प है, इनेलो नहीं है। यह दिमाग में रखिएगा बात को, कि पूरे प्रदेश में हरियाणा में अगर जो बीजेपी से नाराज वोटर्स है या जेजेपी से नाराज है उनके लिए बेहतर विकल्प कांग्रेस है, और ऐलानाबाद में यह दिखाई दे रहा है, हालांकि चौटाला जी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी तरह से एक सीट है उचाना कला, जिससे आप सब लोग परिचित होंगे, जिस पर हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह, जहां से जेजेपी के उम्मीदवार हैं, जेजेपी उनकी पार्टी ही है। तो अब यहां पर है क्या कि दुष्यंत के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को, जो सांसद भी रहे हैं, उनको मैदान में उतारा है। अब दुष्यंत को लेकर के जो नाराजगी है वो तो जग जाहिर है, कि किसान भी नाराज है उनसे, आम वोटर भी नाराज है, और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं और जिस तरह से उनके समर्थक जो बातें कर, जिस तरह से नैना चौटाला कह रही थी, तो एक तबका जो है वो बहुत नाराज है, किसानों का खास तौर से। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से दुष्यंत का सभा के दौरान विरोध हो रहा है, किस तरह से लोग हूट कर रहे हैं उनको। तो जेजेपी के सभी कैंडिडेट्स का यही हाल है, आप कहीं पर भी देख ले, या जेजेपी से जो बीजेपी में गए उनका भी यह हाल है। तो यहां पर है क्या कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि जो वीरेंद्र घोपड़िया थे वहां, वो खड़े हो गए बागी होकर के कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ, लेकिन यहां पर कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी गंभीर स्थिति बनी है। आपको बताएं कि भाजपा ने तो यहाँ पे उनको देवेंद्र अत्री को खड़ा किया, कि उनको लगा कि एक ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा कर देंगे तो हो जाएगी टक्कर जबरदस्त, और कास्ट चूंकि है उचाना कला में ब्राह्मणों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन बीजेपी जो है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है और बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। और दुष्यंत जो है अगर यहां से फंस जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, दुष्यंत के लिए उचाना कला सीट जो है बहुत खतरनाक साबित होने जा रही है। बृजेंद्र फिलहाल प्रचार के दौरान अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इसी तरह से एक सीट है चरखी दादरी की, जहां से जो पूर्व सहकारिता मंत्री थे सतपाल सांगवान, उन्होंने अपने बेटे सुनील सांगवान को, जो जेलर रहे, जो बेहद चर्चा में रहे हैं कि राम रहीम को जो 6 बार पैरोल मिली है बड़ी बड़ी, उसमें सुनील सांगवान की बड़ी भूमिका रही है, जनता इस बात को जानती है कि सुनील सांगवान की कोशिशों से ही उनको क्या नाम है कि पैरोल मिल पाया, 21 साल तक सर्विस में रहे। माने कैसे व्यक्ति है, माने सोचिए, बाबा राम रहीम एक पत्रकार की हत्या में शामिल रहा और उसको 6 बार पैरोल दिला दी, आश्चर्यजनक है, जिसका क्राइम साबित हो चुका कोर्ट के द्वारा उसको। दूसरी तरफ इन्होंने जब इस्तीफा दिया, माने ये तो पहले से तय रहा होगा, पिताजी इनके बीजेपी में, इनका भी तय रहा होगा कि चुनाव लड़ेंगे। आपको बताओ, जिस दिन इस्तीफा दिया तुरंत 4-6 घंटे के अंदर इनका नो ड्यूज वगैरह क्लियर करके इनको बीजेपी में शामिल करा लिया गया।
तो खैर बीजेपी में शामिल हुए, टिकट पाए, चरखी दादरी से लड़ रहे हैं, लेकिन सुनील सांगवान के मुकाबले में कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, मनीषा, डॉक्टर मनीषा सांगवान, बहुत पढ़ी लिखी महिला है, और मनीषा अगर इस सीट पर सुनील सांगवान को हरा देती है, भले वो सतपाल सांगवान की सीट हो, तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। चरखी दादरी में कांग्रेस पार्टी बेहतर लड़ रही है, हालांकि जेजेपी इनेलो के भी कैंडिडेट है, लेकिन कांग्रेस बेहतर लड़ रही है। अहिरवाल की एक सीट है अटेली, जहां से बेहद महत्वाकांक्षी केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, उनकी बेटी आरती सिंह राव को टिकट मिला है, और माने उस टिकट को पाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने सारी की सारी ताकत झोंक दी थी, और स्थिति यह है कि अब आरती सिंह राव की सीट फंस गई है। हुआ यह कि अपनी संसदीय सचिव थी उनकी अनिता यादव, उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया, और अनिता यादव जबरदस्त बढ़िया चुनाव लड़ रही है वहां पे। 2019 में यहां से बसपा इनेलो के उम्मीदवार अतरलाल थे, जिन्होंने कांग्रेस का खूब वोट काटा था, इस बार फिर से वो मैदान में है, तो लेकिन इस बार देखना है कि बसपा इनेलो किसकी वोट्स काटती है। आपको बता दूं कि कोई ऐसा नहीं है कि अटेली में बसपा का प्रभाव बहुत ज्यादा है या इनेलो का प्रभाव, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव पहले जैसा नहीं है, पूरे प्रदेश में मुकाबला दो कोणीय है, कितना प्रभावित कर पाएंगे ये डिपेंड करता है, लेकिन अगर अगर बसपा इनेलो ने बहुत ज्यादा कांग्रेस को प्रभावित नहीं किया, कांग्रेस के वोट्स को, तो अनिता यादव का अटेली सीट से जीतना लगभग तय लग रहा है। एक बड़ी सीट है अंबाला कैंट, जहां से पूर्व गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले अनिल विज गब्बर चुनाव मैदान में है, और उनके मुकाबले में कांग्रेस ने परमिंदर सिंह परी को टिकट दे दिया, और चित्रा सरवारा वहां से निर्मल सिंह जी की पूर्व मंत्री रहे दो दो बार, उनकी बेटी चित्रा सरवारा चुनाव मैदान में है, और चित्रा बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है। तो अब इस बार अनिल विज जी की सीट जो है वो फंसी दिखाई दे रही है, साफ साफ बता रहा हूं। पिछली बार जब चित्रा सरवारा लड़ी थी तो बस जीतते जीतते रह गई थी, इस बार मुझे लगता है कि चित्रा सरवारा जो है वो निकल जाएंगी। और कांग्रेस का कैंडिडेट बेहद कमजोर है, ये सच्चाई है कि शैलजा जी के कहने पर परमिंदर को टिकट भले मिल गया हो, और एक परिवार एक सीट का भी सवाल था, लेकिन चित्रा बहुत मझी हुई राजनीति नेता है और बहुत समाज सेवी है। अगर चित्रा जीतती है अंबाला कैंट से, तो ये माना जाना चाहिए कि चित्रा की जनसेवा जीतती है, क्योंकि पब्लिक के साथ जो कनेक्ट है चित्रा का, वैसा कनेक्ट मुझे नहीं लगता है कि अन्य उम्मीदवारों का होगा। मैंने तमाम सीटें देखी अंबाला कैंट में, पब्लिक कहती है, पब्लिक जानती है, पब्लिक ने ये बात हमारे अपने सर्वे में माना भी कि चित्रा का मुकाबला नहीं हो सकता, तो अनिल विज के लिए यह सीट मुश्किल होने जा रही है। फिर मिलेंगे आपसे, फिर कुछ सीटों का ब्यौरा लेकर कि किस सीट पर क्या हाल है, और लगातार मैं कोशिश करूंगा कि रोज बरोज अगले कुछ दिनों में, एक सप्ताह के भीतर, हम आपको हरियाणा की सभी सीटों का हाल बता सकें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।